हेलो एवरी वन आम जेबर एंड यू आर वॉचिंग एच जी थ्रेडर फ्रेंड्स विश यू एंड योर फैमिली मेम्बर हैप्पी न्यू ईयर बी सेफ बी हेल्दी एंड बी हम्बल जैसे अभी सोशल मीडिया में हर लोग अपना अपना कमिटमेंट देते हैं अचीवमेंट देते हैं हमें किसी को एक्चुअल बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है हमने क्या पाया क्या खोया है राइट right? अगर कहीं पे भी आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो खुद से कंपेयर कर लो एक दिन खाली बहुत है कल से आज थोड़ा बेटर करो कल से अगर पाँच मिनट आज ज़्यादा आपने आपके गोल के लिए आपने कहीं पे भी टाइम स्पेंड किया है यानी कि अगर आप कल जो किया है उससे बेटर आज कर रहे हो तो आपकी जो एक ड्रीम है वहाँ पे आप खुद ब खुद पहुँच जाओगे सोशल मीडिया में तो लोग बताते रहेंगे मैं ये करूँगा ये करूँगा इससे अच्छा है हम खुद से ही कमिट करें और ख़ुद ही उसमें मेहनत करें तो डेफ़िनेटली हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं जस्ट बी हम्बल टू एवरी एंड हेल्प टू दो वो आर नीडी अगर भगवान ने आपको बनाया है उस काबिल के किसी को मदद कर सके तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों तो आ, मंडे के लिए जो हमें यहाँ पे शुरुआत करनी है तो पहले देख लेते फ्राइडे को क्या हुआ था फ्राइडे हमें देखेंगे तो ये क्या था कि ये पूरा कंसोलिडेशन जोन में ही चल रहा था मार्केट तो हमने क्या डिसाइड किया था कि एक यहाँ पर एक स्क्वा बनाया था कि अगर इसके ऊपर निकला तो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा जो हमने यहाँ पे देखा था कि ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ वहाँ से मैंने जो ग्रुप में दिया था वो लेवल था करीबन ये वाला था 160 क्योंकि यहाँ से इसने फॉल देना चालू किया था तो मैंने यहाँ पे मेरे ग्रुप में बताया था कि 160 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक मूव मिलेगा जो यहाँ पे पहला मेरा टारगेट ये था इसके बाद में जैसे ब्रेकआउट हुआ मैंने एक और थ्री के ऊपर बोला था उनको लेने के लिए और फिर यहाँ पर अच्छा फिर यह कंसोलिडेशन हो चुका था निपटी में भी वैसे ही सिमिलर हुआ था वहाँ पे निपटी का एक सिनारियो बहुत ही अच्छा देख रहा था यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन दो दिन से यहाँ पे हो रहा था तो जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया 270 और कंटिन्यू ऊपर गया ये हमारा एक वीकली कैंडल का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था उसके आसपास फिर कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दिया पर क्लोज एट द एंड वहीं इसके आसपास ही हुआ है दोस्तों तो अभी तो अभी मंडे का आ, हम देखने से पहले देख लेते हैं कि हमें डेली वीकली मंथली में अभी क्या पोजीशन बन रहा है तो यहाँ पे निफ्टी का निफ्टी बैंक का यहाँ पे चार्ट है तो अगर आप देखोगे डेली में ये जो मूविंग एवरेज है टू हंड्रेड हंड्रेड एंड फिफ्टीज़ है तो यहाँ पे इसका स्लोप दिख रहा है डाउन क्योंकि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल हो रहा था सेकंड क्या है कि ये एक फ्लैट है टू हंड्रेड डेज अभी इसका एक फ्लैट यहाँ पे चल रहा है क्योंकि मार्केट नीचे से थोड़ा ऊपर आया हुआ है तो अभी के लिए अगर हम अगर यहाँ पे देखते हैं रेजिस्टेंस तो ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वो आ रहा है करीबन 35,700 तो एटलीस्ट एक, एक और अटैम्प हो सकता है कि हम थर्टी फाइव सेवन हंड्रेड तक जा सकते हैं और उसके बाद में वहाँ पे देखेंगे कि क्या एक फ़र्दर मूव होता है अगर गैप अप के बाद गैप अप ही इसने ये ब्रेकआउट दे दिया तो एक फ़र्दर अप मूव हम यहाँ पे देख सकते हैं नहीं तो क्या होगा कि एक दो दिन यहाँ पर कंसोलिडेट uh, करके फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है क्योंकि ये प्राइस एक्शन आप देखते हो तो यहाँ पे हायर हाई high और ये जो लो है वो भी हायर लो बन रहा है यहाँ पे तो एक पॉसिबल है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें मिल सकता है फिर क्या होगा कि ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे ये फिफ्टीज़ को क्रॉस करेगा यानी कि एक पॉजिटिव यहाँ पर क्रॉस ओवर होगा जैसे कि यहाँ पर पास्ट में ऐसे हुआ है तो हमें यहाँ पर एक और पॉजिटिव दिख सकता है और कैंडल भी हमारा अच्छा है क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन जोन था उसके ऊपर जाके हमने यहाँ पे एक क्लोज किया हुआ है और हमारा आर ए जी ये आर एस आई है वो अबो फोर्टी फाइव जैसे ये फिफ्टी के ऊपर आता है तो हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए शॉर्ट बनता है जब ये थर्टी फाइव के नीचे रहता है अगर हम इसका वीकली देखते हैं तो वीकली में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक यहाँ पे जो कैंडल ये है वो है क, बुलिस एंड कैंडल बना हुआ है और इसने जो क्लोज दिया हुआ है वो है करीबन थर्टी फाइव थाउजेंड फोर एटी वन जो इसका फिफ्टी डेज़ मूविंग एवरेज था वीकली का उसके ऊपर क्लोज़ दिया है और ये जो एक कैंडल है उसका जो लो है वो है करीबन थर्टी फाइव फाइव थर्टी फाइव जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ पर रुकावट आ सकती है तो आज यहाँ से हमने एक रजिस्टेंट उसके आसपास से लिया है और फिर वहाँ पर एक आ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके क्लोज किया गया है तो एक कैंडल पॉजिटिव वीकली में भी है अभी मंथली का देखते थे तो मंथली में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्या बनाया है कि एक दोजी कैंडल बनाया हुआ है यानी कि एक इनडिसिव भी बोल सकते हैं पर बेस ऑन द वीकली एंड डेली चार्ट वी कैन यस इफ़ यू स्टार्ट मूविंग अबो दिस बॉडी ये जो बॉडी है जहाँ पे क्लोज हुआ है सॉरी uh, ओपन है थर्टी फाइव एट फोर्टी फाइव तो जैसे ही हम एट हंड्रेड एंड सिक्सटी के ऊपर क्लोज़ करना चालू करेंगे ये हमारा जो यहाँ से पहला जो टारगेट होना चाहिए वो करीबन थर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड और उसके बाद में ये जो कैंडल जहाँ पे पहला शूटिंग स्टार बना था उसका लो था थर्टी सिक्स एट सेवेंटी सिक्स तो वहाँ तक हम जा सकते हैं ये है मंथली का अगर हम सिमिलर यहाँ पर निफ्टी का देखते हैं तो निफ्टी में मंथली में हमें एक यहाँ पे बुलिश साइन देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना हुआ है हेमर कैंडल ने क्या किया है सिक्सटी वन फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो कल अगर सॉरी मंडे को अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज होने में कामयाब हो जाता है फिर से यहाँ पे आज का हाई है उसके ऊपर यानी कि सॉरी ये सिक्स हंड्रेड के ऊपर है तो इसका जो हाई है वो सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी एट है इसके ऊपर जब भी सेवन हंड्रेड क्लोज होगा एक हमें फर्दर वूव मिलेगा जो हमें लेके जा सकता है वापस <coughs> यहाँ पे या यह 800 और उसके बाद में ये जो कैंडल का हाई है यानी 18,200 थाउजेंड वहाँ तक हमारा पहला होना चाहिए टारगेट अभी जो रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे हैं वो 452 टू पहला आएगा यानी 17,452 हमें एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू तो 17,700 के आसपास इसका अगर वीकली देखते हैं हम तो वीकली में क्या है कि जो हमने मंथली में देखा था हैमर सिमिलर एक हैमर बट उसके ऊपर यहाँ पे क्लोज होने में कामयाब है तो अभी के लिए आपको रजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है एक ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो एक यहाँ पर रजिस्टेंस का काम करेगी जो इसका यहाँ पर टारगेट यहाँ पर कुछ बन रहा है करीबन फाइव हंड्रेड यहाँ पर फाइव है 38 एट परसेंट यहाँ पर फोर जो आज हमने एक रेजिस्टेंस फेस किया तो अगर मैं यहाँ पे 23 लगाता हूँ तो वो हमें एक आई आइडिया मिल जाएगा कि हमारा नेक्स्ट जो लेवल रहेगा रेजिस्टेंस वो कौन सा रहेगा तो यहाँ पे हमने ये 23 लगा यानी कि हम 400 के ऊपर कंटिन्यू क्लोज हो जाते हैं दो दिन तो फिर हमारा नेक्स्ट जो टारगेट आएगा करीबन 17,860 के आसपास आएगा जो अगर ये कैंडल का अगर आप लो देखते हो तो यहाँ पे सेवनटीन तो इसके भी ऊपर यानी कि ये लेवल यहाँ पे आता है जिसका ये बुलिस कैंडल था उसका लो था तो पर पहले हमें एक रजिस्टेंस मिलेगा ये ट्रेंड लाइन फाइव के आसपास तो ये वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम एक एक और अटेम्प्ट पे देख सकते हैं फाइव हंड्रेड के आसपास जाता हुआ अब देख लेते हैं हम निफ्टी को डेली में तो डेली में अभी इसमें क्या किया है कि जो ये हंड्रेड डेज मूविंग एवरेज है उसका जो लेवल है इसको मैं थोड़ा साइड में करता हूँ ओके फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव तो पहला आपका टारगेट यहाँ पे फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव सेकेंड क्या होगा कि इसका जो ऊपर 516 का आ रहा है 50 डेज़ मूविंग एवरेज जो हमने एक वीकली चार्ट में भी देखा ये ट्रेंड लाइन के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए जो करीबन आता है 500 तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो फिर वेट करना जैसे ये एक और अटेम्प्ट होता है सिक्स के आसपास फिर वापस जब नीचे फाइव आता है तब आप फिर से बाई कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ यहाँ पर एट के लिए तो ऐसे आपको ट्रेड यहाँ पर बनता है डेली और वीकली चार्ट में अब देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट कैसे बना हुआ है दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना तो निफ्टी का यहाँ पे जो ऑप्शन चेन का डेटा हमें दिखाया गया है कि लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि 17,200 पे टू हंड्रेड पर बहुत यहाँ पर सिमिलर कौन सा था 24 लाख ,00 के आसपास दोनों में पोजीशन बना हुआ था पर इसमें क्या हुआ कि 9 लाख ,00 कॉल राइटर्स यहाँ पे एग्जिट हुए हैं और उसकी वजह से हमने देखा कि शॉर्ट कवरिंग आया और मार्केट काफ़ी ऊपर भी गया है फ्रेश पुट यहाँ पे फिर से ऐड हुआ है करीबन आठ लाख के आसपास तो अभी यहाँ पे टोटल हो चुका है थर्टी सिक्स लैख्स पुट में सेवनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड और उसके बाद में है यहाँ पे कॉल भी कम हुआ है नेक्स्ट सेवनटीन तो अभी हमारे लिए सपोर्ट का, का काम करेगा सेवनटीन थाउजेंड पे पुट टोटल ओपन है थर्टी सिक्स एंड कॉल यहाँ पर अभी भी है ट्वेंटी थ्री अगर यहाँ पे फर्दर शॉर्ट कवरिंग आती है 400 के ऊपर तो ये जो 23 थ्री लैक्स है वो पहले एग्जिट होंगे जो हमें हेल्प करेंगे ऊपर 17,500 मार्केट जाने की जो हमें यहाँ तक लेके आ सकता है अच्छी चीज़ क्या है कि अभी इंडेमनी मनी भी यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट हुआ है पुट 11 लाख कॉल कंपेयर टू यहाँ पे पुट ज़्यादा शॉर्ट हुआ है तो एक हेल्प कर सकता है मार्केट को फर्दर अप जाने के लिए पर यहाँ पे टोटल देखोगे टोटल थर्टी ने उसमें से ग्यारह लाख हुए तो अगर वीकेंड यहाँ पे एंटर किया है तो वो आ, जैसे ही मार्केट अगर नीचे आने लगा तो वो लोग पहले एग्जिट हो जाएंगे अगर हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की निफ्टी बैंक में हमने ज़्यादातर जो देखा हुआ है वो फाइव पॉइंट्स का जो उनका एक साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पे ये ऑलवेज बिल्डअप होता है ओपन इंटरेस्ट तो करंटली थर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो हम एट द मनी है अगर इसका आप प्रीमियम देखते हो दोस्तों तो दोनों का मिला के कुछ हो रहा है सेवन हंड्रेड तो जैसे मैंने चार्ट में भी आप लोगों को बताया कि थर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड ऊपर की साइड और नीचे थर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड तो ये हमारा एक रेंज रहेगा अभी के लिए थर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड में हमें अभी भी मॉनिटर करना है सिमिलर कॉल एंड फूड राइटर्स यहाँ पे कोई भी हमें एग्जिट देखने को नहीं मिला है यहाँ पे पॉसिबल है कि एक स्ट्रेलर भी बना हुआ है पर अभी भी यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है कंपेयर टू पुट राइटर्स नीचे में हमें सपोर्ट मिलेगा 35,000 उसके पहले एक हमारा सपोर्ट यहाँ पे रहेगा वो है करीबन 300 के आसपास जहाँ से हमने कल ब्रेकआउट दिया था तो अगर कोई भी डीप आता है तो थ्री से लेके कर थ्री के बीच में तो वहाँ पर एक आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हो ऊपर में यहाँ पे जो थर्टी सिक्स थाउजेंड है वहाँ तक मार्केट जा सकता है वहाँ पे भी फ्रेश फूड वहाँ पे शॉर्ट हो रहा है तो एक आइडिया एक दे रहा है कि मार्केट में अभी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से हम थर्टी सिक्स थाउजेंड जा सकते हैं तो आप भी उस हिसाब से पोजीशन बनाना मोनिटर थर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब देख लेते हैं हम यहाँ पर कि स्टॉक्स हमें कौन से लेने हैं और फिर हम देख लेते हैं कि हमें इंट्राडे के लिए कैसे ट्रेड करना है और बैंक में तो यहाँ पे अल्कम लेप मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि जैसे ये 38 परसेंट के ऊपर निकलता है तो ये स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद हमारा टारगेट तो इसने एक ही दिन में वो एक अचीव कर दिया अभी क्या होगा यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल भी बना हुआ है और ये जो पोजीशन था ये आप देख सकते हो कि थर्टी सिक्स फोर थ्री यहाँ पहले आ, एक ये लेवल था सपोर्ट उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद अभी रजिस्टेंस का, का काम कर रहा था तो ये कैंडल ने भी क्लोज तो उसी लेवल के नीचे ही किया है कल भी यहाँ से एक यहाँ पर सेल ऑफ़ आया था अगर कल यहाँ पे 3650 के ऊपर निकलता है तो आप फिर से बाय करना आपका टारगेट 3700 होना चाहिए तो एल्कम लेब में भी आप यहाँ पे बाई कर सकते हो जैसे ही ये लेवल के ऊपर निकल जाए ये लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आपको 3700 तक जाता हुआ देखेगा सेकंड है बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस कंटिन्यू ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 38 पे सपोर्ट लिया नीचे का लोअर एंड पे अभी ये सेंटर लाइन के ऊपर यहाँ पे इसने एक पुलिस कैंडल बनाया हुआ है यानी कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा था उसके हायर एंड पे जाके क्लोज़ किया है और ये जो क्लोज़ हुआ है नियर एक साइकोलॉजिकल लेवल सेवन तो जैसे ही सेवन ब्रेक होगा तो क्या होगा कि इसका यहाँ पर पहला जो टारगेट आएगा सेवन और उसके बाद में यहाँ पे जा सकता है ये लेवल वापस सेवन सिक्स जीरो के आसपास आपको फिर से बजाज फाइनेंस जाते हुए देखने को मिलेगा फिर नेक्स्ट स्टॉक है हमारा लुपिन अगर आप मेरा वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं ल्यूपिन को फॉलो कर रहा हूँ इस यहाँ था तब से तो यहाँ पे भी एक बार हमें प्रॉफिट मिला था वापस नीचे यहां यहाँ पे सपोर्ट लिया हैमर कैंडल से कंटिन्यू अब जाके इसने फिर से ब्रेकआउट दिया है और ये जो इसका रेजिस्टेंस था 950 उसके आसपास क्लोज हुआ है तो कल भी हमें इसको लॉन्ग करना है जैसे ही ये लेवल के ऊपर निकलता है यहाँ पर हम एक लॉन्ग करेंगे इसका जो लेवल आएगा आपका 955 के आसपास आता है जैसे ही वो ब्रेक करता है आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 980 और उसके बाद में ये थाउजेंड तक जाएगा आप इसको ध्यान में रखना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा एम एस सी यहाँ पर बुलिस है और ये एम एफ आई भी यहाँ पर ऊपर की साइड आपको दिखा रहा है तो लुपिन में भी लॉन्ग रहना एक और स्टॉक है माइनट्री माइंट्री अगर यहाँ यहाँ पर देखते हो तो एक फ्लैग पैटर्न के अंदर ही काम कर रहा है सेंटर लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोज होने में कामयाब हुआ है जो ये इसका रेजिस्टेंस था तो अभी क्या हुआ है एक डब्ल्यू पैटर्न सा बन रहा है यहाँ पे तो आपको यहाँ पे लॉन्ग करना है इसको 4790 के ऊपर तो यहाँ पे आपका जो टारगेट आना चाहिए यहाँ पे 4900 और फिर यहाँ पे करीबन 5000 तक ये जा सकता है तो माइंड्री को भी लॉन्ग करना नेक्स्ट अभी देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हो एंड ग्लोबल मार्केट क्या है अभी तो ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो डाउजेंस सिक्सटी फाइव पॉइंट्स माइनस बंद हुआ है नेसदैक वन हंड्रेड एंड नाइन पॉइंट एस जी एक्स सेवेंटी नाइन पॉइंट माइनस सेवेंटी नाइन पॉइंट यहाँ पर अगर प्रीमियम माइनस करें तो करीबन थ्री हंड्रेड के आसपास खुलेंगे जहाँ पर हमारा एक सपोर्ट है और डॉलर इंडेक्स नाइन्टी फाइव पॉइंट सिक्सटी सेवन विच इज़ गुड फॉर अस यू एस बॉन एल वन पॉइंट फिफ्टी वन एंड यू एस डी आई एन आर जो भी है सेवेंटी फोर पॉइंट फोर्टी सिक्स ये अगर फिर से 73 आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा एंड क्रूड uh, 77 जो 78 77 के आसपास ही यहाँ पे घूम रहा है दोस्तों तो अब यहाँ पे बात करते हैं कल कैसे ट्रेड करना है तो अभी क्या हो जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट आया है वो एक हमारे लिए सपोर्ट का, का काम करेगा टू सो इनकेस अगर डाउन खुलता है दोस्तों यहाँ के यहाँ के आसपास तो कहीं पे भी आपको एक यहाँ पे बुलिस कैंडल मिलता है तो बाय करना वापस आपको ये यह यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा मार्केट यानी कि इस लेवल के आसपास कहीं पे भी आपको मिलता है तो आप यहाँ पे बाय करके रख सकते हो ये एक ट्रेंड लाइन है वो भी एक सपोर्ट देगा ये भी तो अगर धीरे धीरे करके नीचे आता है तो भी आप बाय कर सकते हो अगर गैप डाउन खुला तो पहले यहाँ पर बाइंग आ जाएगा क्यों दोस्तों क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर जिन्होंने मिस कर दिया वो लोग जैसे ही मौका मिलेंगे ये यहाँ पर एंटर करेंगे तो एक पहले ही डिप में अगर एंटर हो गए तो आपको फटाक से यहाँ पे 40 टू 50 पॉइंट्स मिल जाएगा तो आइडियल रहेगा अगर पहले पाँच मिनट में आप स्काल्पिंग करना चाहते हो तो जैसे ही गैप डाउन मिलता है आप यहाँ पर कर लो सेकेंड क्या है कि अगर मानो कि ग्लोबल क्यूज़ कुछ अच्छा हो जाए मंडे को मार्केट खुले ग्रीन में मार्केट जैसे ही ये लेवल के ऊपर निकलता है 405 के ऊपर आप बाय कर सकते हो यहाँ पे भी आपको फोर्टी टू फिफ्टी पॉइंट मिलेगा फिर उस टाइम आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहना चाहिए ये लेवल के आस अगर 405 पे आप करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 377 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा आइडियल गैप डाउन होगा तो भी मिलेगा और इसी के बीच में खुलता है फोर से लेके 355 थ्री तो फोर के ऊपर हम बाय करेंगे सिमिलर यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है तो ये जो बॉक्स है उसको हम कंटिन्यू करते हैं अभी तो इसी के आसपास यहाँ पर मिलता है आपको ये जो ये ब्रेकआउट होगा आपका यहाँ पे तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा हमें यहाँ पे बाई करना है सेकंड सिनेरियो अगर इसी के आसपास खुलता है और नीचे आता है फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होके फिर ये निकलता है तो भी हम बाय करेंगे सेल के लिए अभी हम थोड़ा वेट करेंगे सेल हम इसी के नीचे ही करेंगे तब तक हम सेल नहीं करेंगे अब फिर से जब 140 120 को ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट करेंगे तब तक नहीं अभी क्या है कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन आपको दिख रहा होगा ये प्राइस एक्शन क्या बन रहा है कि एक मार्केट मार्केट ऊपर गया कंसोलीडेट किया ऊपर फिर से कंसोलीडेट किया पॉसिबल है ऐसा यहाँ पर एक आपको दिख दिखेगा ऐसे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे तो सिमिलर आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा शॉर्ट में एग्रेसिव मत रहना बाइंग में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है दोस्तों तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और नए साल में आप इन्जॉय करना और हो सके टाइम मिले तो थोड़ा स्टडी भी करना जो आपको बेनिफिट देगा पूरे साल ओके सी यू टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में